अगर अपने पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं आया है, नो वरीज, वी कैन स्टिल फिल द कैट फॉर्म, बट देयर द कैच, इसको ध्यान से करना पड़ेगा. सो इफ यू गो टू द ऑन आवर कैट आई एम कैट वेबसाइट, देयर आर अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट्स. तो इफ आई ओपन अप दिस अंडरटेकिंग, सो I declared the following thing. I am applying for the CAT exam. At the time of submission, I do not have the required valid NCOBC or EWS certificate. This is only for the NCOBC and EWS people only. I applied for the currently this certificate, but have not received the submission due to this reason. Late apply kiya ya unke taraf se delay hota hai ya the lead time from application to submission around 60 days because lot of people have come up with this complaint. Now my point is why this is only for NCOBC. PWD mein bhi kafi bacche hain jo apply nahi kar pa rahe hain. SC ST ka bhi kuch bachon ka problem aa raha hai. So it should be valid for everyone. But theek hai, unne only for NCOBC ke liye kaha gaya ye. Theek hai. But there's a problem hai. There's a catch as well. Wo hum baad mein baat karte hain us bare mein. Theek hai. To main abhi ke liye acknowledgement कम्युनिकेशन स्क्रीनशॉट रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटी मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया है, अब तक आया नहीं है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है. और जो मेरा पुराना सर्टिफिकेट है जो 1 अप्रैल 2024 से पहले का इशूड है वो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ. बहुत बढ़िया. इफ़ आई गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द आई एम्स आई विल प्रोवाइड द प्रूफ फॉर NCOBC EWS. तब तक तो आ ही जाएगा, मतलब मार्च 2025 तक तो आ ही जाएगा. आई विल डू दैट. बट यहां पे आ गया कैच. इफ आई फेल टू प्रोड्यूस एंड सबमिट द वैलिड सर्टिफिकेट स्टेटेड अर्लियर माई कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड एंड इन दैट केस द डिसीजन ऑफ द कंसर्न आई एम विल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू टू माई नॉलेज. द प्रॉब्लम इज अभी तक का क्या रूल था कि अगर आपके पास एनसी नहीं है आप ओपन कैटेगरी में काउंट हो सकता है. अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का नहीं आता सर्टिफिकेट एनसी का तो मुझे ओपन में काउंट होता है. ठीक है. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका कैंडिडेचर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो आप सोचो अगर तो रिजेक्शन का चांस है, मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है ना भी आए सर्टिफिकेट, इन दैट केस अप्लाई एज अ ओपन कैंडिडेट बिकॉज मुझे रिस्क नहीं लेना बिकॉज माई कैंडिडेचर कैन बी कैंसल्ड एज वेल. ओके. बट अगर तुम्हें कन्फर्म्ड है, रिन्यूअल है, बस दो एक फॉर्मेलिटी है वो आराम से हो ही जाएगी, इन दैट केस बिंदास बेफिक्र होके फॉर्म भरो और सबमिट करो अंडरटेकिंग फॉर द सबमिशन. इन्होंने बताया नहीं है बस कि ये कहाँ अपलोड करना है. मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा कैट में साथ लेके जाना है. ये व्हेन यू फिल द कैट फॉर्म व्हेन यू हैव टू अपलोड सर्टिफिकेट का कॉपी, आई थिंक यू हैव टू अपलोड दिस फॉर्म अलॉन्ग विद योर ओल्ड कॉपी ऑफ द एनसीओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट. I think that there's the way to do that. अगर already आप CAT submit कर चुके हो form, तो I think CAT help desk को contact करो, तो they can help you on this. All the best.